हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए गुलकंद के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही इजी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में वो घर पे बन जाती है। तो आप भी इसको ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। 1 टेबल स्पून काजू, गुलकंद 1 टेबल स्पून, पिस्ता गार्निशिंग के लिए 2 टेबल स्पून, येलो फूड कलर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। कोकोनट 200 ग्राम, ये शुगर पाउडर है। चीनी को मैंने अच्छे से का पाउडर बना लिया। 200 ग्राम मावा है ये। अभी इसको हम 10 से 15 मिनट के लो फ्लेम पर अच्छे से सेकेंगे। बस ध्यान रखिए कि ये मतलब नीचे चिपकना नहीं चाहिए, इसको चलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में। अब मैं 5 मिनट बाद इसके अंदर थोड़ा सा शुगर पाउडर डालूंगी। शुगर पाउडर ऐड करने से इसकी जो अपन इसको भूनते हैं मावे को, वो अच्छे से भुनाई होती है। थोड़ी बहुत भी नमी होती है तो वो निकल जाती है मावे के अंदर से। अभी ये हमारा भुनने लगा है मावा। अभी मैं इसके अंदर कोकोनट ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मतलब कोकोनट डालने के बाद आप केवल इसको 2 से 3 मिनट और भूनिए। अब इसके बाद मैं इसमें कलर ऐड कर दूंगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर लें, क्योंकि इसको डालने के बाद कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत सुंदर लगते हैं ये, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये मैं इसके अंदर लड्डू के अंदर भरने वाली हूँ गुलकंद। इसे बहुत यमी मतलब मीन्स बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है कोकोनट के लड्डू के अंदर आप गुलकंद डालते हैं तो। आप और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो। ये स्टफिंग्स की तैयार हो गई है। इसको हमको है ना बिल्कुल पूरे तरीके से ठंडा करने के बाद ही हम इसके मतलब बूरा ऐड करेंगे, वरना क्या वो मेल्ट हो जाती है। तो ये पूरे कंप्लीट ठंडा हो चुका है। अब इसमें धीरे धीरे करके चीनी जो पाउडर शुगर बनाया था वो ऐड करूँगी। अब इसे मैं लड्डू बना लेती हूँ। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा ही भरना है लड्डू, वो लड्डू के अंदर स्टफिंग, ज़्यादा नहीं।
सेकंड लड्डू बताती हूँ बना के। सर के बीच में एक गड्ढा करना है हमको धीरे धीरे, और इसके अंदर ये स्टफिंग हम इसमें भरेंगे, थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे ताकि ये बाहर ना आए, निकल के अच्छे से बाइंड हो जाए इसके अंदर। साइज अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बड़ा छोटा जैसा भी रखना है आपको। ये लड्डू तैयार हो चुके हैं, मैंने इस तरीके से इसकी गार्निशिंग करी है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर बताना।